नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेशनल लाइफ पे। और अभी की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दोस्तों पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कोरोना वायरस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमें देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से देश विदेश में कोरोना वायरस का खतरा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसकी चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं। लेकिन वहीं अब पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। दोस्तों बता दें, इसकी जानकारी खुद शाहिद अफरीदी जी ने अपने ट्विटर के अकाउंट से दी है और उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से ये गुरुवार से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके शरीर में काफ़ी दर्द था और कोरोना वायरस के सारे सिम्टम्स इनके अंदर दिखाई दे रहे थे। जब इन्होंने अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो बदकिस्मती से ये कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। तो ऐसे में कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद शाहिद अफरीदी के सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सैलाब आ गया है कि लोग इनके लिए दुआएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी जी ने अपने ट्वीट में ये बात लिखी है कि जल्द से जल्द सेहतमंद होने के लिए आपकी दुआओं की जरूरत है इंशाल्लाह। आपको बताया दोस्तों, कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवाई नहीं खोजी गई है, ना ही कोई बनाई गई है। ऐसे में कोरोना वायरस का कोई इलाज ना होने के बाद हमें देखने को मिल रहा है लोगों को दवाएं से ज़्यादा दुआएं की ज़रूरत है, यानी कि दवाइयों का अब कोई असर नहीं देखने को मिला है कोरोना वायरस पे। तो ऐसे में दुआएं ही एक चीज़ है जो लोगों को बचा रही है। शाहिद अफरीदी ने भी इस बात की गुहार की है सोशल मीडिया पे कि लोग उनके लिए दुआएं करते हुए दिखाई दे इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द उनका कोरोना वायरस ठीक हो जाए और वो कोविड-19 पॉजिटिव की जगह उनका टेस्ट अगला जो आए वो नेगेटिव आए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा शाहिद अफरीदी को लेकर किस प्रकार से इनका पाकिस्तान में ट्रीटमेंट होता है या फिर कोरोना वायरस का खतरा कितनी तेज़ी से इनके अंदर फैलेगा, वो तो आने वाले समय ही बताएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए अन्य और बड़ी जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों।